अश्रु गैस का इस्तेमाल किया गया क्योंकि क्रांति को तोड़ना था। सेना ने टैंक भेदी रॉकेट्स और हथगोले जब्त किए, साथ ही और हथियार भी पकड़े जैसे हाथ की गन्स और मशीन गन्स, हमला करने के हथियार और राजनीतिक दुष्प्रचार सामग्री। ये हथियार गलत हाथों में पड़ जाने से आतंकवादी हमले हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। और अब हम नियमित कार्यक्रम देखते हैं। ये रही। चलो जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। मुझे इस तस्वीर की कॉपी भेजोगे ना? अगर तुम लोग बुलेट ढूंढ रहे हो तो वो दूसरे डिब्बे में। देखा हो सरामी को? Thunder, they will fire when you pray to the thunder.
पीटर को मिली तस्वीरें और हमने देखा हथियार। शायद तुम साबित कर लो, लेकिन मुझे तस्वीरें चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें तस्वीरें दूंगा, ये मेरा वादा है। अब मैं तीन पर हूं, मैं रुका हुआ हूं। क्या तुम्हें पता चला? अब मैं दो पर आ रहा हूं। हाँ, दो पर आ रहा हूं। European notoire, Monsieur Leo Tindemans. एक सच्चे यूरोपियन मिस्टर लियो टिंडरमैन्स ने ये माना है कि उनके देश ने ईरान को दो शिकारी राइफल्स बेची। यूरोपियन पार्लियामेंट के 130 सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा है कि पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी की बैठक में यूरोपियन समुदाय के हथियार व्यापार पर चर्चा होनी चाहिए। सच बात यह है कि तस्करी एक बड़े पैमाने पर चल रही है। इसकी शुरुआत है स्वीडन में और पहुंचती है डेनमार्क और फिर लिस्बन से होते हुए तीसरी दुनिया के अफ्रीकी देशों में। हमें पता चला है कि मासे और जिब्रुगो महत्वपूर्ण केंद्र है इस हथियार व्यापार के। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार को अभी भी हथियार मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूरोपियन समुदाय इस बारे में बात करने से हिचक रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, पर चूंकि इस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी अच्छी सूझबूझ का परिचय देते हुए ये पार्लियामेंट एक अच्छी कमेटी का गठन करे ताकि काम शुरू हो सके। Een Europees initiatief in de zaken een controle op de wapen. कुछ पीना चाहोगी? क्या जॉन पियर भी आ रहा है? तुम्हारे इससे क्या मतलब है? मैं कोई अंधी तो नहीं हूँ। ब्रांसी, जिम बियर की उम्र मेरे पिताजी के बराबर है। ये मैंने पहले भी सुना है, फिर भी तुम उसके बारे में ज्यादा बात करती पति की नहीं। ये एक छलावा सा है ताकि मुझे अपने असली प्रेमी के बारे में ना बताना पड़े। मुझे कुछ बातें छुपा कर रखनी पड़ती है। मर गई। अब मैं जिम्मेदारी का नाम और नहीं सुन सकती। तुम्हारी हूँ ना? नहीं सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं सीधा होटल जा रही हूँ यहाँ से। क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे सर दर्द हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें घर ले चलूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम चली जाओ, मैं देख लूंगी। ओके ओके, जैसा तुम चाहो, आराम से करना। बाय। गुड मॉर्निंग। यह आतंकवादी एक राजनीतिक संगठन के सदस्य हैं जो रेड पीस के नाम से जाना जाता है। एक तो भाग निकला, दूसरे से पूछताछ की जा रही है। और वो
फोटोज? वो फोटोज ये रहे। अगर प्रेस इन्हें देख लेता तो क्या होता? जरा सोचो, चुनाव कितने नजदीक हैं, उन्होंने इस दूसरे आदमी को पकड़ा क्यों नहीं? अगर कहीं उसने अपना मुंह खोल दिया तो? अवश्य ही वो ऐसा करेगा, पर हमने उसका एक दोस्त पकड़ कर रखा है पोस्टर्स के गोदाम में। पर वो अखबार वालों से कुछ नहीं कह सकता। पर उसके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता, खास तौर से रेड पीस पर। हमें मालूम है ये। हाँ हाँ, अगर कहीं उसके पास फोटो होते तो मामला गंभीर हो जाता। एक बड़ी दुर्घटना जैसी खौफनाक गतिविधियां, वो घातक है। समय रहते हमें कुछ करना चाहिए, उसे रोको तुम। नहीं, ये तुम्हारा काम है। इन कामों के लिए नहीं होती है गवर्नमेंट, ये काम किसी निजी क्षेत्र का है। सुनो इन, सोचो, क्या तुमने बात की है किसी से इस विषय पर? नहीं नहीं, मुझे कतई पता नहीं था कि तुम दलाली लेकर काम करते हो। पर वो किसके पीछे है, तुम्हारे या मेरे? अगर वो तस्वीरें न्यूज़पेपर तक पहुंच गई तो मेरी मुसीबत है। सुनो, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। मेरा मतलब अच्छा तो यही होगा कि हम कुछ समय तक एक दूसरे से ना मिलें। इस तरह बात काफी बिगड़ सकती है। मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। अब हम लोग सिर्फ फोन पर बात करेंगे, ओके? इस दरमियान मुझे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो ना तुम मुझसे? कम ऑन, कैसी बात करती हो तुम? मुझे अफसोस है। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। क्या ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता कि कूस्टर्स की बीवी पर इतना कुछ निर्भर करता है? नहीं, कुछ अजीब नहीं है। सबको मालूम है कि उसका क्या रिश्ता है उस फ्रांसीसी से, सिवाय उस खुद कूस्टर्स के। एक अच्छी सूचना सही समय पर अजूबा कर सकती है। अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। क्या कूस्टर्स को पूरी बात का पता है? कूस्टर्स? वो तो कैरो में है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा होगा कि हम शिप को बेल्जियम से ले चलें। वहां ज्यादा रुकावट नहीं है। हमें तमाम कलपुर्जे अलग करना चाहिए और उसे ले चलना चाहिए ज्यूरिख। इससे एक धोखा होगा जो बहुत ही काम की चीज है। और टीएससी कम्युनिकेशन ब्रसल्स को जल्द ही खरीदने वाले हैं डेसमैन टेक्सास। खुश हो पॉल? हाँ, खुश हूं। इतना खूबसूरत प्लान कि गलत भी हो तो ठीक है, इतना अच्छा कि सालों लग जाएंगे उन्हें हम तक पहुंचने में, एक दशक या और ज्यादा।
मिल गया। ऐसा बहुत सारे कारणों की वजह से हुआ है। इथोपिया इस बार फिर से वैसे ही सूखा देख रहा है जैसे कि तीन साल पहले हो रहा था। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुमने कोई अच्छा टाइटल उन तस्वीरों के लिए सोचा? इसलिए कि उन तस्वीरों को पब्लिश करना है अगले हफ्ते। फ्राइडे तक होनी है, समझ गई? हिल्टन होटल कैरो प्लीज। मिस्टर कोस्टर सेक्रेटरी? नहीं, आई एम सॉरी, वो अभी एक मीटिंग में है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हेलो मिसेस कोस्टर्स, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। एरिक, आपकी बीवी। मैं आ रहा हूँ। हेलो एन। नहीं, मैं घर जल्दी नहीं आ सकता। क्यों अभी नहीं बता सकती हो? नॉनसेंस, तुम कुछ पी रही थी? और जैसे ही मैं जूली के पास पहुंचा तो अरे तुम यहाँ, इनसे मिलो, यह है जॉनी और जॉनी यह है फ्रेंसी। हेलो हेलो, मैं बाद में आती हूँ। हाय, मैं तुम्हें देख नहीं सकी, बैठेंगे? नहीं थैंक्स, मैं काम करके बहुत थक चुकी हूँ। ओ, मुझे तो ज्यादा काम करके ही मिलती है जॉब्स इंटरेस्टिंग। फ्रांसिन, तुम्हें कुछ और बात नहीं सोचती है क्या? अवश्य, पर जब बिल्कुल जरूरी हो। ओ गॉड, तुम आज बड़े अच्छे मूड में हो, क्या जिन पे तुम्हें छोड़ गया और कुछ? इस बात से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, बस इतना ही। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय।
जिन पियो। जिन पियो। जिन पियो। ओ मेरे प्यारे आज जिन पे क्या आप मेरा बिल बनाएंगी प्लीज? जी मैडम, ये लीजिए मैडम। एक मिनट रुक जाइए, कार्ल एंड कुस्टर्सन स्टॉकबर्ग से। लाओ दो, थोड़ा पीछे करो। हेलो अनी, कैसी हो तुम? ओ, ओ, ओ रोको इसे, धीरे चलो। क्या यकीन ही नहीं आ रहा? नहीं मैं यहां अटक गया हूं। आखिर एडिटिंग का तुम्हें मालूम ही है। ठीक है, अगर तुम्हें हैक जाना ही है तो कुछ दिनों के लिए एंटवर्प में रुक जाओ। ठीक है, कल मुझे फोन करो, मैं तुम्हें ले लूंगा स्टेशन से। अब ज्यादा परेशान मत हो, हम लोग को सोचते हैं, फिर कल मिलते हैं। मरियम, जाकर किसी बहाने से रेड पीस की फाइल ले आओ। अभी? और कब? फिर शुरू करो। Thank you.
क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं कॉपीज बना रही हूँ, मुझे कल हॉलैंड वापस जाना है। ठीक है जैन, मैं तब तक कुछ पेपर्स देखते उसके कमरे में। मैं जरा चश्मा लेने आई थी। मैंने सोचा कि तुम कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाती हो। ग्लासेस ज्यादा सुरक्षित होते हैं मुझे लगता है। बाय बाय बाय। चेक करके बताओगे कि मिसेस कूस्टर्स यहाँ है कि नहीं? मैं देखती हूँ, क्या तुम देखोगी? ओके। मिसेस कूस्टर्स, कमी नहीं कहेंगे। क्या आप ही तो जाओगे? तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल गए? ये लीजिए। अब मैं इस काम से बाहर हूं, मैं अब और आगे ये काम नहीं करना चाहता। अब तुम उससे बाहर हो। धन्यवाद। कृपया अगली सूचना के लिए तैयार रहें। एक मार्केट चलो। आराम से आराम से, मेरा तो सर फटा जा रहा है। आगे कहो। और ये जाम तुम्हारे तलाक के नाम। क्या कह रहे हो तुम? सोचो, मेरा ख्याल है कि अरे तुम्हें तलाक दे ही देगा जब ये फोटोस अखबारों में छप जाएंगी।
अगर ये बात सच है तो शायद मैं कोशिश नहीं करती हूँ नेगेटिव्स के लिए। नहीं, एरिक कभी तलाक नहीं देगा मुझे। वो जो चाहे कर सकता है और उसी तरह मैं भी, जब तक कोई प्रिंस इस तलाक के लिए राजी ना हो। वो नहीं चाहेगा कि तलाक हो, पर वो मुझे नर्क पे पहुंचा देगा इन तस्वीरों को देखकर। उसे मेरी कमजोरी का पता है। सोफिया, ये पूरा मामला मुझे पागल कर देता है। उसके बाद मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या करूं या नहीं। उन्हें जो कुछ चाहिए वो ले लेते हैं। मुझे लगा था तुम सोसाइटी कर लो। मुझे कुछ और पता नहीं। क्या ये वही सिद्धांत है जिनके लिए हम लड़ते थे, विश्वास करते थे? तो क्या मैडम ने शादी पैसे के लिए नहीं की? भूल गए, तुम ही तो वो आदमी थे जिसने मुझे छोड़ दिया था। तुम कैसी वजह से एरिक के साथ सोने लगी? तुम कुछ भी कर सकते अगर तुम चाहते, पर तुमने मुझे ढकेल दिया उसके ऊपर। ऊपर पर बुरी तरह नहीं। क्या? जरा डॉक्यूमेंट फिर से दिखाना। यहाँ नहीं, मेरे बैग। कार, मेरा बैग कहाँ है? अगर तुम बैग ढूंढ रही हो तो मैंने रिसेप्शन डेस्क पर रखा है। ओ गॉड, कार, जरा सोचो तो। आओ, अब ज्यादा मत सोचो। मुझे तुम्हारी याद आती है। चलो अब यहां से चलें। मम्मी, माफ करना, इतनी रात गए फोन किया। कुछ जानती हो कितने बजे हैं? तुम कुछ परेशान हुए हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप और सोफी कल तक घर छोड़ दें। क्यों? क्या कुछ गड़बड़ है? मैं बाद में बताऊंगी आपको। क्यों? तुम अभी नहीं बोल सकती? वन प्लीज बोलो। वही कीजिए जो मैंने कहा। पर तुम्हें उसके बाद फिर कहाँ जाना है? आप आंटी जॉन के साथ रहें, सोफी फिर स्कूल नहीं मिस करेगी। बस घर पे मत रहिए। अगर तुम बता देती कि क्या हो रहा है तो अच्छा होता। मैं फोन पर नहीं बता सकती। क्या तुम सोफी से बात करना चाहोगी? हाँ, उसे फोन दीजिए। मम्मी? हेलो बेटी। बेटा, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। तुम अपनी नानी का ध्यान रखती हो ना? हाँ मम्मी। वही करना जो वो कहे। ओके, क्या आप घर पे आ रही हैं? नहीं, आज नहीं बेटा, मैं बाद में आऊंगी और कई दिन रहूंगी। हाँ, फिर वापस नहीं जाएगी ना? नहीं, ये वादा रहा। I love you मम्मी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बाय बाय बेटी। बाय मम्मी। एक किस। क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? वो हरामी कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मैंने अपने एक दोस्त से बात किया हॉलैंड में। वो एक एक्सपर्ट है रट पीस पर, वो बात को संभाल लेगा। Shh.
मिसेस कोस्टर्स। अगर मैं तुम्हारी तरह इतनी कठोर होती तो मैं अपना चेहरा नहीं छुपाती। वाह, यह है वो रेड पीस की गर्ल जिसने इसको फोटोग्राफ दिए हैं। मुझे दुख है कि मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। सॉरी, पर यह बहुत अजीब कहानी है। क्या कहा तुमने? वेल, ब्लैकमेल करना उनकी आदत नहीं। ओह, ऐसी बात है। तुम उनकी राजनीति का समर्थन करते हो, इसलिए तुम उनकी गतिविधियों का अनदेखी कर रहे हो। बकवास मत करो, मैं कहना। और इस बेवकूफ ने पूरी बात को उछाल दिया। ओह चलो, मैं इसे जानता हूँ फ्रेडी, मैं वहाँ था जब पिक्चर ली गई। जू में मेरा मतलब। भूल जाओ काल, समय बर्बाद मत करो, ये सब आपस में मिले हुए हैं। अगर उदारपंथी ऐसा करे तो तुम चिल्ला कर कहोगे ये खून है, और वही काम अगर वामपंथी करे तो तुम कहोगे अच्छा है। और अगर वामपंथी पे बस देने के लिए ही है तो मैं इधर ही ठीक हूँ, समझे? थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए काल, थैंक्स मुझे झूठा कहने के लिए। तुम्हें किसी ने झूठा नहीं कहा। मुझे दुख है, मैं तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहता था, मैं तो बस। तुम सिर्फ एक अच्छी कहानी सुना रहे हो बस, तुम्हें कोई मतलब नहीं किसका दिल टूटा। तो फिर आप सारे हदें पार कर दो, लिख दो एक आर्टिकल उन सभी रेड हीरोज के लिए जो मन चाहे तरीके से एंड कोस्टर्स को मिटा गया, यानी कि मुझे। बस सच ये है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया है। क्या आपको किसी ने ब्लैकमेल किया मिस्टर डिजोंग? अगर किसने किया तो पता चल जाएगा आपको। प्लीज एन, मुझे अकेला छोड़ दो। ए, शोर मत मचाओ वहाँ। हाँ, ये औरत वैसी है नहीं जैसी खुद को साबित करना चाहती है। तुम जानते हो कि इसका पति पूरी दुनिया में गैर कानूनी हथियारों का व्यापार करता है। कोस्टर्स, तुम्हारे पास सबूत है? ये पूरा केस अच्छी तरीके से बनाया गया है और अब तुम इसके साथ हो, मिस्टर कोस्टर्स के। हाँ, पर ये एक इत्तेफाक है। मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं करता हूँ इसमें। इनको कुछ पता नहीं, मेरी तो जिंदगी दांव पर लगी है। सावधान रहो, तुम्हारी एक ही जिंदगी है। आओ अब सोचो कि अगर ऐसा ना होता तो वो यहां कभी नहीं आती, शायद कहीं और चली जाती। यही मैं भी सोचता हूँ। आओ चले, चलो चलो। मैंने एक महीने से भी ज्यादा कोस्टर्स के ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर नजर रखी है। मैंने देखा है सामान को आते जाते। मुझे ऐसा लगता है कि वो हथियार का व्यापार करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच। इसकी व्यवस्था इसराइल अपने यूरोपियन संबंधों के जरिए करता है। इसके बावजूद कि वे प्रतिबंधित हैं? जी, इसके बावजूद कि वो प्रतिबंधित हैं। कोई भी ऑर्डर्स उनकी ऑफिस तक नहीं पहुंचते हैं, और फिर उनके ऑफिस तो कभी भी बदल जाते हैं। ये कई साल से चल रहा है और कोस्टर्स का ट्रांसपोर्ट बिजनेस इसी की एक कड़ी है। जाऊंगे। हाय हाय हाय, कहाँ है डर्क? दो बियर? वो नहीं, तीन भी। तीन ग्लास में। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने इस चूजी को पहले कभी नहीं देखा। क्या ये रेड पीस की है? ये औरत शायद ऐसा ही सोचती है। हाँ, मैं सचमुच इसे नहीं जानता। काश मैं इसे जानता। डार्क, आपका फोन। तुम्हें पता है कहाँ है पीटर? कौन है वो अनजान पीटर? वो एक रेड पीस का आदमी है जो पकड़ा गया था और उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या बुक स्टोर पर, बुक स्टोर पर पुलिस रेड करने वाली है? ओ भगवान बचाओ। फ्रेडी, तुम फिर लेट। विलियम, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक गोपनीय सलाह से परस्पर अच्छा लगा, बस यही एक बात अच्छी थी। मेरे साथ चलो।
अभी एक बयान दिया जाएगा कुछ ही मिनटों में, जल्दी से जल्दी पीछे खड़े हो जाओ और इनको जाने दो। सर अभी अभी हमें खबर मिली है कि इन लोगों के पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो डॉक्यूमेंट्स यूरोपियन इन्वेस्टिगेशंस कमेटी के हैं। फ्रेडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी बुलाए गए हो? हाँ यही कोई आधे घंटे पहले। ये कैसे हो सकता है, तब तो कोई कुछ नहीं जानता था। अब कौन है वो? क्या हो रहा है यहाँ? इसमें साजिश की बू है, सभी न्यूज़पेपर को पता चल गया। ये अजीब इत्तेफाक है, तुम्हारे पास आज सुबह वो डॉक्यूमेंट्स थे और अब 8 घंटे बाद पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इस केस के बारे में सबको पता था। तुम ये कैसे कह सकते हो कि सबको पहले से पता था? मिसेस कुस्टर्स, मैंने सोचा आप होंगी स्ट्रेसबर्ग में। वो मैं। कैसे इन आतंकवादियों को ये सब खबर मिली और वो मुखबिर कौन है? मुझसे मत पूछिए। इस गोपनीय खबर की बात कर रहा हूँ मैं। सोफी, 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 मैंने तुमसे कहा था ना बेटे, तुम मेरे साथ रहना। हाँ चाहता हूँ कि यूरोपियन स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स कुछ और बढ़ जाए और उसके बाद। डैडी, डैडी। हे मेरी प्यारी बच्ची। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिलोगी। वो सोफी तुमसे मिलना चाहती थी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तुम जानते हो क्यों। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अच्छा बस, हाँ फिर मिलेंगे। क्या तुम अपनी कार नहीं लाए? नहीं, मैं टैक्सी से आई। ओ काम कैसा चल रहा है? इटली से शिकायत आ रही है, उनके अफसरों को ऐतराज है कि माल उनकी जमीन पर न उतारा जाए। और यूगोस्लाविया? यूगोस्लाविया कुछ लग रहा है बेहतर होगा, पर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सौदा हो तो जिनेवा में। अरे नहीं, हम ये काम करेंगे कैरो से। लेकिन इस तरह का फैसला हम अपने आप नहीं कर सकते। देखो मुझे कोई चिंता नहीं, वो अमेरिकन घबराए हुए हैं, वो चाहते हैं कि अगला शिपमेंट एबास में हो जनवरी तक। हमें उनके साथ एक मीटिंग जल्दी से जल्दी रखनी होगी। मम्मी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है उस आदमी के हाथ में।
बाहर आ बेटी। तुमने आर्टिकल क्यों नहीं लिखा रेड पीस में? तुम तो इस विषय पर माहिर हो। वे जानते थे। पर तुम तो जानते थे, क्यों नहीं लिखा तुमने इसके बारे में? हाँ, क्योंकि ये सब झूठ है और बहुत कुछ अखबारों में लिखा हुआ सच नहीं होता। मान लिया वो अलग है, पर वो सबूत कहाँ है? नहीं है, पर हम उसी पर काम कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे पास सबूत होता। मुझे एक अच्छा आर्टिकल इस गैर कानूनी हथियार व्यापार पर चाहिए जिसे कर रहा है रेड पीस। तुम दोनों इस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हो और मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे बहाने सुनकर। मैं उतनी बेजार नहीं हूँ। आपकी मदद करूं मिसेस कोस्टर्स? मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ। आई एम सॉरी, वो एक जरूरी मीटिंग में है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। जैसा आप चाहें। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगी? नहीं थैंक्स। मार्थे, वो शॉफर जो हमें एयरपोर्ट से यहाँ पर लेकर आया था, वो कब से काम कर रहा है? जैक, मुझे कुछ पता नहीं, कार्मिक विभाग से पूछती हूँ। कार्मिक विभाग प्लीज। क्या सेवा करूँ आपकी? हेलो, मैं मिसेस कोस्टर्स, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी मिस्टर कोस्टर्स के शॉफर जैक के बारे में। जैक मिल चुकी है। थैंक यू। कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? कब से वो यहाँ पर है? उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस भी नहीं है। क्या पता चल पाएगा? इसका पूरा रिकॉर्ड नहीं है। ओ, ऐसा। क्या बाद में फोन करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। आपका स्वागत है। सॉरी, हम लेट हैं। अपॉइंटमेंट था कुस्टर्स के साथ। मिस्टर डाउड और मिस्टर फरेरो? यस। आप मेरे साथ आइए प्लीज। इस तरफ। हेलो संपादकिया। हेलो, वो यहीं कहीं होंगे, मैं देखती हूँ। अगर मिल जाए आप थोड़ी देर रुकेंगे? ठीक है। सर कितना हो रही है। ओ, फोन था। हेलो हेलो, मैडम आप अभी तक लाइन पर हैं? मुझे वो नहीं मिले, आप चाहती मैं उनको ढूंढूं?
आई एम सॉरी, मैं और नहीं रुक सकती। आप उन्हें एक मैसेज दे देंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। उसे बताना इस कहानी के तार कहीं ना कहीं मेरे पति के ड्राइवर से जुड़े हैं। उसका नाम है जैक। मैं उसके बारे में कुछ और नहीं जानती, पर कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ है। उसे कहना मुझे फोन करे, मुझे बात करनी है जल्दी। काल के पास नंबर है। ओह मिसेस गुस्टर्स, क्षमा करें, मैं आपके पति को ढूंढ रहा हूं, माफ कीजिएगा। लगता आप रास्ता भटक गई हैं। मेरी अपनी पत्नी को ही बंदी बना लिया गया है, वो भी हमारी ही बिल्डिंग में। कहां है वो शैतान और पागल शोफर? हे भगवान, वो खतरनाक आदमी है। माना कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएं। हमें बस एक बहुत अच्छी बिसात बिछानी होगी उन्हें कुछ दिन रोकने के लिए। अगर एन को संदेह है तो ये बहुत खतरनाक है। तो फिर तुम क्या चाहते हो, उसे जान से मार दिया जाए? बेतुकी बातें मत कीजिए। बस हमें फिरौती की रकम बढ़ानी होगी। पर किससे?
अगर तुम कोई बात कहो क्लियर तो ये सोच लो कि वो एक अच्छी बात होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्या ये बुरा ख्याल नहीं है? हम कहते हैं कि रेड पीस ने जिसे किडनैप किया वो बहुत बड़े उद्योगपति के पत्नी है, इसलिए वो बहुत बड़ी फिरौती मांग रहे हैं, 10 मिलियन। वो पैसा हम यहाँ दे देते हैं और उससे वैन डीजल एंटवर्क में निकाल लेंगे। ऐसा करते हैं, क्लियर और एड्रियन इस कार्यवाही की तैयारी करें और मैं प्रेस को सूचना देता हूँ, फिर देखेंगे। मैं उन्हें यकीन दिलाकर ही रहूंगा। पॉल, ये काम तुम संभालोगे? ये तो तुम्हें पहले सोचना था। अब तो ये सोचो कि अब इस 10 मिलियन को अच्छे सूद पर कहाँ लगा सकते हैं। तुम और एंटन इस विषय पर सोचो। हम इसे डिपॉजिट कर सकते हैं स्विट्जरलैंड में अपने ग्रुप के लिए। तुम लोग इस बात को मजाक में मत उड़ाओ, ये बात मेरी पत्नी की है। इस बात पर यकीन नहीं आता जो रिपोर्टर ने लिखी है। पांच मिलियन है उसकी कीमत? 5 मिलियन बेल्जियम फ्रैंक्स या गिल्डर्स? गिल्डर्स। ये सौदा कर सकते हो? हे, वो देखो, वो आ रहा है। कैसे अंदर जाएं अब? हाँ, ये होल तो बहुत छोटा है। हमें इसका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। अब तुम्हारा टाइम खत्म महारानी। मुंह खोलो। माइथे, जैक, क्या मैं जॉन से बात कर सकता हूँ? हेलो जैक, तुम्हारे लिए फोन है। जैक, तुम कहाँ हो यार? तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ। कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, उनसे मुझे समस्या है। तो अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, ठीक कह रहा हूं ना? सच कह रहा हूं, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। और जैक, देखो तुम चूकना मत। अगली बार ये काम तुम खुद करना।
पुलिस को बुला लो। पुलिस को क्यों? उनसे कहो कि तुम्हारे पास एक अच्छी सूचना है। करोगी ये? तुम वहां ऊपर जाओ, तब तक मैं उसे उलझा कर रखता हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये खतरनाक है। तुम यहां रुककर इंतजार करोगे? मुझे उससे कोई प्यार नहीं। वैसे भी इस बात का कोई मतलब नहीं। कोई नहीं। मैं वहां ऊपर नहीं जा रहा। क्यों नहीं? मुझे डर लगता है ऊंचाई से। तो हम जगह बदल लें। मैं ऊपर जाता हूं और तुम उसे नीचे लेकर आओ। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। डरते हो ऊंचाई से? Yeah!
सौ बुके सिर्फ $10 में, सुंदर फूल जरा देखे तुम। थोड़ी देर में फुल स्पीड के लिए तैयार रहो। ठीक है सर। ठीक, अद्भुत, बहुत अच्छा। सुनो एड्रियन, यहीं रुको, ठीक है ना? ठीक है, बाय। जेंटलमैन, मामला सुलट गया है। दुर्भाग्य की बात है कि जैक आतंकवादी रेड पीस से था। बहुत बुरी, बहुत दर्दनाक मौत थी उसकी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो हमें प्रेस को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए, ठीक है? क्या तुम वाकई चाहते हो कि एड्रियन यहां हो? बिल्कुल सही। तुम जो चाहे कह सकते हो एन के लिए, पर वो हमारी बेइज्जती पब्लिक में नहीं करेगी। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। जेंटलमैन, ये बहुत ही गलत होगा अगर ये बात बाहर गई। उसकी कोई बात नहीं, एन सब समझती है। पॉल, याद रखो, हम प्रेस को और ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते। सब कुछ यहां नियंत्रण में है, ठीक है ना जॉन? किसी न किसी को तो अपना दिमाग ठंडा रखना ही होगा। मार्थे, प्लीज भाई और बहनों, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग एक समय में सिर्फ एक सवाल, पहले आप पूछिए। क्या मिसेज कुस्टर्स को बंदी बनाया गया आपके ही गोदाम में? हाँ, ये सच है। एक अपहरणकर्ता हमारे लिए काम कर रहा था, वो मिस्टर कुस्टर्स का ड्राइवर था। उसे हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम था। पर ऐसा एक मौका था कि उसे कोई कंपनी एम्प्लॉय ढूंढ ले। ये वॉच हाउस इस्तेमाल में नहीं था, ये एक भंडार था जिसमें कबाड़ रखा जाता था। यहाँ बहुत ही कम गतिविधियां थी और यहाँ के एम्प्लॉयज के पास कोई खास काम नहीं था, सिवाय उस रेड पीस सदस्य के जिसे आपने किराए पर लिया और उसी ने सारे इंतजाम किया और बाद में उसने मौत को अपने गले लगा लिया। ठीक है, आप इसका मजाक उड़ा सकते हैं अगर आप दोस्त हैं मिस्टर डिजोंग के। आपकी सहानुभूति हमें मालूम है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक बहुत ही कठिन कार्य था, ये ढूंढना कि हमारा एक नौकर मुझे और मेरे परिवार को फंसा रहा था। और जब उसे कुछ भी गैरकानूनी नहीं मिला जिससे वो हमें ब्लैकमेल कर सकता, तो उसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया और बड़ी रकम मांगने से नहीं चुका। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। आपकी पत्नी कैसी है? आपको मालूम है कि उसे आराम की बहुत जरूरत है। जी हाँ, पर वो है कहाँ? जहाँ उसे आराम मिल सके। रेड पीस ने आपकी कंपनी को ही निशाना क्यों बनाया? क्योंकि हमारी कंपनी पैसे से बहुत मजबूत है। आप कहना क्या चाहते हैं? इसमें कंफ्यूजन क्या है? और कौन दे सकता है 5 मिलियन कैश, वो भी इतनी जल्दी? तो क्या आपने वो रकम दी? हम अभी बात कर रहे हैं, पर ये पुलिस जानती है। आखिर क्या संबंध है उस बुक स्टोर की तलाशी और आपकी पत्नी के अपहरण में? वो मुझे नहीं पता,
आपने पूरा जवाब नहीं दिया। क्या आपको मालूम है किसने आगाह किया प्रेस और पुलिस को? यह आपको पुलिस से पूछना चाहिए। हम गए थे और पूछा पुलिस से, पर उनको कुछ भी नहीं मालूम। जो हमें पता है कि रेड पीस के पास कुछ ऐसे कागजात हैं जिसमें आपके नाम का जिक्र बार बार आता है, और उसे ये लगता है कि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो गैर कानूनी हथियारों का व्यापार करती है अमेरिका और ईरान के साथ। बकवास! हो सकता है कि ये सच हो, पर मुझे नहीं पता कि रेड पीस ने कहां से लिए वो डॉक्यूमेंट्स। अगर उसमें मेरा नाम है, मेरी कंपनी का नाम है, तो वो डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं। वो तो है, बिल्कुल है। और इस पूरे केस की प्लानिंग इसी बिल्डिंग में हुई थी। रेड पीस का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। वो देखिए मिसेस कुस्टर्स, इन्होंने तो कहा कि वो आराम कर रही हैं। क्या ये सच है जो वो कह रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मिलवाता हूँ टर्क और पीटर से। ये दोनों कार्यकर्ता है रेड पीस के। टर्क तो पिछले 14 सालों से छुप रहा है, और पीटर को उस जगह में बंद करके रखा गया जिसके मालिक मिस्टर कुस्टर्स हैं। यानी अंतिम दिन ये मिस्टर कुस्टर्स के साथ थे उसी जगह पर। कहो जल्दी यहाँ से चले जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर सुनिए प्लीज। आपको ये जानकर शायद एक झटका सा लगे कि मिसेस कुस्टर्स, जो कि बीमारी के बाद आराम कर रही थी, हमारे सामने हैं। पर मैं ये अपने दिल से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी आरोप हैं उन सब के जवाब मिस्टर कुस्टर्स जल्द ही देंगे। आखिर तुम क्या करना चाह रही हो? मुझे बर्बाद करोगी? सबके सामने तुम झूठ और अफवाह को हवा दे रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? किस तरह का खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? ये तुम्हारा ही खेल है ना? अब तुम्हारे इस बेहुदा खेल ने मेरे एक दोस्त की जान ले ली है। मुझे पूरा यकीन है तुम अपने आप को बचा लोगे किसी न किसी तरह, पर मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती, ना ही मेरी बेटी। अब ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें घर पर मिलेंगे। तुम पर तरस आ रहा है एरिक। एन, एन, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जॉन ने व्यस्त रखा है प्रेस को। कहाँ है एन? ये फोटोग्राफ्स यहाँ तक कैसे पहुँचे मार्थे? वो अच्छी पार्टी है, पर मुझे नहीं बुलाया। हाँ, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। वो प्रेस वाले तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे जब वो देखेंगे फोटोग्राफ्स। मार्थे, हम अभी नहीं। मैं हैरान हूं वो ऐसा कैसे कर सकती है। रेड पीस को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुस्टर्स।